अब हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स। ये टॉपिक जनरली एनसीईआरटी में दिया हुआ है और जिसमें सिर्फ हमको कलर कोडिंग कार्बन रजिस्टर्स के बारे में पढ़ना है। बट एक बात बताइए कि डायरेक्ट ये टॉपिक कलर कोडिंग के बारे में जानेंगे और हमको यही नहीं पता कि कार्बन रजिस्टर क्या होता है, तो ये क्या जस्टिफाइड है क्या नहीं? इसका मतलब ये है कि थोड़ा बहुत हमको बेसिक आइडिया कार्बन रजिस्टर के बारे में भी होना चाहिए कि क्या होता है कार्बन रजिस्टर और उसकी कलर कोडिंग फिर क्या होती है, वो बात की बात है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, कलर कोडिंग के पहले हम कार्बन रजिस्टर के बारे में जानते हैं। तो कार्बन रजिस्टर के बारे में जानने से पहले भी हम क्या करते हैं, रजिस्टर के बारे में जानते हैं। और रजिस्टर के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं रजिस्टेंस क्या होता है। तो अगर आप रजिस्टेंस वाला हमारा ओम्स लॉ वाला अगर आप लेक्चर को देखेंगे तो वहां पर रजिस्टेंस के बारे में मैंने एक लाइन लिखाई थी कि इट इज नथिंग बट द अपोजिशन टू द फ्लो, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स या करंट। मतलब जो भी क्या करेगा, करंट को अपोज करेगा, रोकेगा, रेस्ट्रिक्ट करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस तो क्या था, एक टर्म था, ऐसा काम जो करता है उसको रजिस्टर बोला जाता है। मतलब रजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है या ऐसा थिंग है जो कि क्या करता है, करंट को ब्लॉक करता है या करंट को रोकता है, दिस इज द रजिस्टर। अब रजिस्टर भी क्या होता है ना, रजिस्टर का काम क्या क्या होता है, जनरली क्यों ये करंट ब्लॉक करने की या करंट को लिमिट करने की हमको जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं या इक्विपमेंट्स होते हैं, वहाँ पे करंट जो रहता है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, वो फ्लक्चुएटिंग रहता है। वोल्टेज अप डाउन होते रहता है, तो वैसे ही करंट भी क्या होता है, अप डाउन होते रहता है। डाउन हो तो ठीक है, बट अगर करंट तुम्हारा किसी पर्टिकुलर इक्विपमेंट में डिजायर्ड वैल्यू से ज़्यादा चले जाए तो वो इक्विपमेंट क्या होगा, या तो वो इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है या तो वो बर्न हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या किया जाता है, उस पर्टिकुलर सर्किट में, उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट के सर्किट में एक कार्बन रजिस्टर लगाया जाता है या रजिस्टर लगाया जाता है ताकि वो करंट को ब्लॉक कर सके या अपोज कर सके। मतलब जानबूझ के मैं रजिस्टेंस क्रिएट कर रहा हूं ताकि सर्टेन वैल्यूज के ऊपर अगर तुम्हारा करंट फ्लक्चुएट होगा तो वो क्या करेगा, करंट को ब्लॉक कर देगा। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो कार्बन रजिस्टर का मेन एप्लीकेशन क्या है, इट इज यूज टू लिमिट द करंट, इट इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर द हाई वोल्टेज एप्लीकेशन। तो रजिस्टेंस का या कार्बन रजिस्टेंस का यूज मेरे को समझ आया। अब रजिस्टर्स जो होते हैं ना वो भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ कार्बन रजिस्टर्स के बारे में बात करेंगे। अब कार्बन रजिस्टर क्यों यूज किया जा रहा है ये भी आपको बताता हूँ कि कार्बन रजिस्टर्स जनरली क्या होते हैं, ये हाईली एक्यूरेट होते हैं और इनका प्रिसिजन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन के कारण ही इसको जनरली क्या करते हैं हम लोग, कैलिब्रेशंस के लिए भी यूज किए जाते हैं या स्टैंडर्ड एप्लीकेशन के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है ना, जनरली सर्किट में तुम्हारा कार्बन रजिस्टर लगे रहता है, तो आप ऐसा आप लोगों को क्या यहाँ पे कलर कोडिंग की गई रहती है उस पर्टिकुलर रजिस्टर को, आप देख के बता सकते हैं कि उस रजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, वो कार्बन जो रजिस्टर लगा हुआ है उसकी वैल्यू क्या है। सिर्फ आपके उसके कलर को देख के पहचान सकते हैं कि वो कौन सा रजिस्टर किस वैल्यू का रजिस्टर लगा हुआ है। तो वही चीज हमको सीखनी है कि एक्चुअल में कि वो किस वैल्यू का रजिस्टर है, सिर्फ हमको उससे मतलब है। बट हमको ये पता चल गया ना कि क्यों यूज होता है, क्या है, अब थोड़ा सा दिमाग में पढ़ने में ईजी हो जाता है ना यार, हमको कॉम्प्लेक्स चीजें पसंद भी नहीं है। तो चलो हम बात करते हैं कलर कोडिंग और दिखता किस तरीके से है ये तुम्हारा कार्बन रजिस्टर। तो कार्बन रजिस्टर जनरली इस तरीके से सिलेंड्रिकल फॉर्म में रहता है, दिस इज लाइक ए सिलेंड्रिकल फॉर्म, कार्बन रजिस्टर इस तरीके से रहता है, क्लियर है। इस कार्बन रजिस्टर में क्या होती है कि चार लाइन्स या बैंड्स बोलते हैं उसको, इसमें बैंड्स रहते हैं, इस तरीके से सिलेंड्रिकल कार्बन रजिस्टर रहता है, इसमें बैंड्स रहते हैं, 1, 2, 3, 4, ये चार बैंड्स होते हैं। ठीक है, हर बैंड का क्या है, अपना अपना कुछ सिग्निफिकेंस है। तो जो पहला बैंड होता है इसको ये क्या रिप्रेजेंट करता है आप लोग को, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। फिर ये जो दूसरा बैंड होता है वो रिप्रेजेंट करता है आप लोग को सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर। फिर जो थर्ड बैंड होता है वो आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, डेसिमल मल्टीप्लायर। और जो फोर्थ बैंड होता है वो रिप्रेजेंट करता है प्रिसीजन। ठीक है, तो ये दिखता किस तरीके से है, ये तुम्हारा कार्बन रजिस्टर इस तरीके से दिखता है। ठीक है, इसमें चार बैंड्स होते हैं या चार लाइंस होती हैं, जिसमें से पहली लाइन आपकी फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर रिप्रेजेंट करती है, दूसरी लाइन सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर रिप्रेजेंट करती है, तीसरी जो लाइन है वो डेसिमल मल्टीप्लायर
है ना, डेसिमल मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करता है, और जो फोर्थ लाइन होती है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रिसीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो जनरली क्या होता है ना कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, या हो सकता है कि जनरली आपको जो आप किसी पर्टिकुलर कार्बन रजिस्टर को सर्किट में देखे तो वो सर्किट किस तरीके से होगा, हो सकता है कि वो सर्किट में आपको ऐसे चार लाइंस दिख गई, वो चार लाइन किस तरीके से थी वो मेरे को ध्यान से समझने की कोशिश करना, उस पर्टिकुलर रजिस्टर में लाइन्स इस तरीके से थी। से मैं मान लेता हूँ पहली लाइन ऑरेंज थी, ऐसा दिया रहेगा, पहली लाइन आपने देखा तो ऑरेंज थी, से दूसरी लाइन ग्रीन थी, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, से तीसरी लाइन आपकी क्या थी, ब्लू थी, और जो चौथी लाइन थी मैं मान लेता हूं से सिल्वर थी। क्लियर है? इस तरीके से आपने क्या देखा, जब भी कार्बन एक रजिस्टर का एग्जाम्पल देखा या आपने किसी सर्किट में देखा तो उसमें इस तरीके से लाइन आपको मिल रही थी। तो कोई पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस कार्बन रजिस्टर, तो अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को या इस पर्टिकुलर कार्बन रजिस्टर को देख के कैसे बताएंगे वो देखना। ऑरेंज विल रिप्रेजेंट द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, टू गो टू द ऑरेंज, ऑरेंज कितना है इसका वैल्यू, 3, राइट इट हियर 3। सिमिलरली द सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर विल बी रिप्रेजेंटेड बाई ग्रीन, ग्रीन के करस्पॉन्डिंग की वैल्यू कितनी है, 5। क्लियर है? अब थर्ड जो सिग्निफिकेंट फिगर वो है ब्लू, ब्लू के करस्पॉन्डिंग में डेसिमल मल्टीप्लायर है तो आपको इसमें जाना पड़ेगा, डेसिमल मल्टीप्लायर यानी कि इंटू 10 to the power 6। चौथा जो होता है वो प्रिसीजन आता है, तो प्रिसीजन में इसके सामने आपका लगता है प्लस और माइनस, ये बताता है कि इतनी रेंज में वैल्यूज वेरी कर सकती है। सिल्वर के सामने कितना परसेंट का टॉलरेंस दिया हुआ है, ये 10%, तो ये 10% प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकता है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस कार्बन रजिस्टर, कि जब भी उसमें लाइंस हमको दिखेंगी ऑरेंज ग्रीन ब्लू और सिल्वर तो इसकी वैल्यू होगी 35 × 10^6 प्लस माइनस 10%। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ, मैं मान लेता हूँ, चलो एक है एग्जांपल येलो 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 और नो बैंड, नो बैंड मतलब तीसरा चौथा दिया ही नहीं है, नो बैंड का मतलब यही होता है कि फोर्थ वैल्यू दी हुई नहीं है, ठीक है? तब क्या होगा, अगर इसके बारे में मेरे को रिप्रेजेंट करना है तो येलो का सबसे पहले वैल्यू कितनी है, 4। येलो कितना है, 4 इंटू डेसिमल मल्टीप्लाई में 10^4, और आपको यहाँ पे कोई चौथा बैंड दिया नहीं है तो यहाँ पे प्लस माइनस, जब कोई बैंड प्रेजेंट नहीं रहेगा तो आपका कितना परसेंट आएगा, प्लस माइनस 20%। सो दिस विल बी द वैल्यू। इस तरीके से आपको क्या करना है, कार्बन रजिस्टर की वैल्यू को इस टेबल को यूज करके क्या करना है, निकालना है। बट सबसे बड़ा टास्क तो ये था कि सर ये टेबल मैं याद कैसे करूं, मतलब सबसे बड़ा टास्क तो यही है, सबसे बड़ा मेरे लिए क्वेश्चन का बात यही है कि सर टेबल को याद कैसे करूं। अरे रुको ना भाई, मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूं कि किस तरीके से ये टेबल को याद किया जाता है। तो मैं ये रफ कर रहा हूं इस पर्टिकुलर स्पेस को, और कैसे आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूं कि आपको याद करना है, कि इस टेबल को मेमोराइज करने का भी ट्रिक होता है, जनरली एनसीईआरटी में दिया भी रहता है और अच्छा ट्रिक है, तो उसी ट्रिक को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। लेट्स यूज द ट्रिक नाउ। तो इसकी ट्रिक क्या है, हाउ टू मेमोराइज। तो यहां पे देखिए, ये जो लेटर लिखे हुए हर एक कलर के, उस लेटर को हम लोग को यहां पे लिखना है, ठीक है? क्लियरली देखिए, बी बी, ठीक है? ये दो लेटर को देखिए, बी बी, फिर आ रहा है आर ओ वाई, इसको एक साथ लिखिए, बी बी रॉय, ठीक है? फिर जी बी है ना, तो यहां पर ऑफ लिख दीजिए, ऑफ। जी के में, जी की जगह में लिखिए ग्रेट, बी की जगह में लिखिए ब्रिटेन, ठीक है? फिर यहां पे आएगा हैज, हैज को छोड़िए, फिर आएगा वेरी गुड वाइफ, ये आ जाएगा वेरी गुड वाइफ। क्लियर है? तो इस पर्टिकुलर टर्म्स को फिर से देखते हैं कि बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ, ये हमको याद रखना है। बी बी से रिप्रेजेंट करेगा 0, ये वाला भी रिप्रेजेंट करेगा 1, रॉय आपका रिप्रेजेंट करेगा 2, फिर ग्रेट आपका रिप्रेजेंट करेगा 3। क्लियर है? कैसे अपन ने देखा, बी बी सॉरी नॉट रॉय का आर 2, ये 3, ये 4, और ग्रेट अपना रिप्रेजेंट करेगा 5, फिर ब्रिटेन आपका रिप्रेजेंट करेगा 6, फिर वेरी आपका रिप्रेजेंट करेगा 7, फिर गुड आपका रिप्रेजेंट करेगा 8, और वाइफ आपका रिप्रेजेंट करेगा 9, ठीक है? तो ये चीज आपको याद रखना है, बीबी का पूरा रिप्रेजेंट करेगा, रॉय आपका पूरा, तीनों लेटर्स इसके यूज होने वाले हैं, ऑफ यहाँ पे टेम्पररी है, इसका कोई यूज नहीं है, और हैस का भी यहाँ पे कोई यूज नहीं है। तो ये पर्टिकुलर ट्रिक होती है इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ।
क्लियर है? तो आपको बस ये पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी याद है तो आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो चलो अपन देखते हैं, मैं इसी टर्म को यूज करूंगा, अब ये टेबल देखूंगा नहीं, क्लियर। लेकिन आपको टॉलरेंस याद होना चाहिए, टॉलरेंस आपको याद होना चाहिए गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए और नो बैंड के लिए। गोल्ड के लिए 5%, इतना तो आप याद कर सकते हो, गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए 10%, कोई बैंड नहीं रहेगा तो 20%। चलो एक एग्जांपल देखते हैं, उस टेबल को ना देख के अपन कोशिश करते हैं। चलो मैं मानता हूं कि से तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ से ब्लैक वॉयलेट ग्रीन और से गोल्ड, ठीक है, ब्लैक। तो बीबी का जो पहला आता है वो ब्लैक होता है, यानी कि दिस विल बी अ जीरो। देन वॉयलेट, वॉयलेट पहुंचने के लिए हमको देखना है सेवन, दिस विल बी नथिंग बट सेवन इनटू ग्रीन। कौन सा नंबर है आपका? ग्रेट, ग्रेट यानी कि 10^5। फिर प्लस माइनस आपको गोल्ड का जो टॉलरेंस कितना है 5%। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, इस ट्रिक को भी यूज करके यहाँ पे कार्बन रजिस्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दी कलर कोड। तो आपको ये याद रखना चाहिए बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। एक ट्रिक और है इसमें, एक चीज और क्लॉस है वो आपको बताता हूँ, यहाँ पे बी 3 बार यूज हो रहा है। तो ये आपको याद होना चाहिए, सबसे पहले आता है ब्लैक, ब्लैक के बाद आता है ब्राउन, ब्राउन के बाद आता है ब्लू। तो सबसे डार्क कौन होता है? ब्लैक, ये ट्रिक है। उससे थोड़ा कम डार्क कौन होता है? ब्राउन। उससे थोड़ा कम कौन होता है? ब्लू। तो ये भी आपको याद रखना क्योंकि 3 भी यूज हो रहे हैं। सो दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर द कलर कोड और कलर कोड का यूज किस तरीके से किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।